गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 10 लेसन पढ़ेंगे। ऐसे मिली सजा। सजा यानी कि हमें जब दंड दिया जाता है वो सजा, यानी किस तरह से सजा मिली, यहाँ पे चैप्टर दिया गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिया हुआ है। देखिए ये घर है और ये आसपास लोग खड़े हैं, बीच में पेड़ है, अनार का पेड़ है। देखिए अनार उगे हुए हैं ना, फल, वो ये सब पेड़ को देख रहे हैं ध्यान से। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। आपको इसी तरह से घर पे भी ये चैप्टर रीड करना है। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। यानी कि यहाँ पे ऐसी बात है कि उस जगह में जब पेड़ पौधे हैं लोगों की तरह चलते फिरते थे और हंसते बोलते थे। हम लोग कार्टून में देखते हैं ना जिस तरह से बोलते, उस तरह से यहाँ पे चैप्टर दिया है कि ये तब की बात है, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग जैसे चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से पेड़ भी चलते हैं, घूमते हैं। वही हाल पेड़ पौधों का भी था, यानी कि पेड़ पौधे भी चलते फिरते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहाँ पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है, या फिर किसी के देखते देखते सामने की खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता है और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि इनके घर के बाहर वो सुबह निकल कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कल रात को नीम का पेड़ था, ठीक है, वो गायब हो जाते हैं और वो नीम के पेड़ की जगह पे वहाँ पे अनार का पेड़ आ जाता है। और वो देखते हैं तो उनके सामने जो यहाँ पे देखिए मैदान है ना, वह देखते देखते बहुत सारे खाली मैदान में अचानक से आम के पेड़ आ जाते, डेरा डाल देते, यानी कि रहने के लिए आ जाते आम के पेड़। और अपने संगी, यानी कि आम का पेड़ जो आता है वो अपने संगी साथी यानी कि फ्रेंड्स को भी बुला लेता है। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते, यानी कि जैसे ही आम के पेड़ अचानक से आ गए खुद ब खुद, तो सारे लोगों ने क्या किया, पेड़ के आम से पेड़ आम तोड़ लिए सारे। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर जाता। यानी कि इस चैप्टर में क्या है, कोई भी पेड़ कहीं चले जाता है, दूसरा पेड़ कहीं यहाँ आ जाता है, उस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैदान में आम के पेड़ आ गए और किसी के घर में कटहल का पेड़ था, कटहल यानी जैक फ्रूट, ठीक है, जिसकी सब्जी बनती है, तो वो कभी खुद से ही चला जाता, दूर देश में चला जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, फिर वह घूमता घूमता चला जाता है और कोई दूसरा पेड़ घूमता घूमता हमारे घर पे आ जाता है, जैसे कि सेब का पेड़, एप्पल का पेड़ आ जाता है कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रहने आ जाते हैं, ठीक है। लोगों को भी बड़ी सुविधा थी, उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। यानी कि लोगों भी बहुत सुविधा, यानी अच्छी फैसिलिटी थी कि उनको दूसरे पेड़ों के पास जाना नहीं पड़ता था, सारे पेड़ घूमते घूमते थोड़े दिन के लिए उनके पास आ जाते थे, ताकि उन लोगों को सारे पेड़ों के फल फूल मिल जाते थे और वो देख भी लेते थे। जिसको जिस पेड़ की ज़रूरत होती वह दूसरे पेड़ों के ज़रिए अपना संदेश भिजवा देता, यानी कि जिसको जो चीज़ चाहिए पेड़ उस जिस चीज़ का चाहिए वो दूसरे पेड़ को बता देता था कि उसको बता दे कि मुझे चाहिए, तो वो वहाँ से चला संदेश यानी मैसेज भिजवा देते थे। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था और कहीं जाता भी तो बता कर जाता, इसलिए बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते। यानी कि सारे पेड़ ना बहुत घूमते थे और ये बरगद का पेड़ जो है वो बहुत ही कम घूमता था, क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है ना, फैला हुआ, तो बहुत कम घूमता था, तो लोगों को पता है कि ये ज़्यादा घूमने नहीं जाता है और अगर कहीं भी जाएगा तो हम लोगों को बता के जाता है। तो ये गांव के लोग जब भी काम पे जाते तो अपने बच्चों को ये बरगद के पास छोड़ के जाते, तो उसके छांव में बच्चे खेलते थे, ठीक है। जाते समय कह जाते बरगद बाबा इनका ख्याल रखना, यानी कि जब भी वो बच्चे को छोड़ के जाते तो वो बरगद के पेड़ से कहते थे कि बरगद बाबा हमारे बच्चों का ख्याल रखना।
मगर अन्य पेड़ अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए, यानी कि दूसरे पेड़ों को ना घूमने का बहुत ही आदत था, तो वो क्या है लापरवाह, यानी कि वो कोई भी चीज को अच्छे से नहीं संभालते थे। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्य की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ और योग्य हैं, यानी कि उनको घूमने की आदत तो हो गई थी, साथ साथ उनमें अहंकार यानी अभिमान भी आ गया था कि वो मनुष्य यानी आदमियों से ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, उनमें ये अहंकार आ गया कि हम तो लोगों से भी अच्छे हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझे कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, सारे पेड़ों ने मिलकर एक प्लान बनाया, उस सारे पेड़ एक साथ उड़ गए और दूर पहाड़ों की ओर चले गए। हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया, यानी जितने भी हरे हरे ग्रीन ग्रीन पेड़ थे वो सारे एक साथ चले गए, तो पूरा गांव में जो है वो सूखा हो गया, पेड़ ही नहीं तो सारे पेड़ चले गए, धरती सूखने लगी, लोग परेशान हो गए, जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते पर वह किसी की एक न सुनता। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सारे पेड़ चले गए हैं, गांव में सूखा पड़ गया है, तो दूसरे पेड़ वहाँ से घूमने जाते थे ना, गुजरते यानी वहाँ से जाते, तो गांव के लोग उनसे निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट करते थे कि आप यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं रुकता था। एक दिन वहाँ से एक बेर का पेड़, बेर होते ना, वहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, तो गाँव वालों ने उनसे भी निवेदन किया तो उसको दया आ गई। ठीक है, वह वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक गए, यानी कि जैसे गांव वालों ने कहा तो वो वहाँ पे रुक गया थोड़े दिन के लिए, मगर उस अकेले बैर के पेड़ से वहाँ के लोगों का क्या भला होने वाला था, यानी कि कोई भी नहीं रुका, एक अकेला बैर का पेड़ रुका तो पूरे गांव का एक बैर के पेड़ से क्या होगा। जब उसने देखा कि लोग उसे आम नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया, यानी कि ये लोग क्या करते थे, आम के पेड़ नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ को ज़्यादा सम्मान देते थे क्योंकि उससे उनको फल मिलते थे और वो भगवान की तरह पूजा भी की जाती है ना, तो उनको ज़्यादा सम्मान देते और इसको कम देते थे बैर के पेड़ को, तो वो भी नाराज हो गया, गुस्सा होकर वहां से उड़ गया। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर लंबा है इसलिए आगे का चैप्टर जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।